और कई साल बाद ऐसा हुआ कि पानीपत के छोटे बड़े उद्योगपतियों को देश का आम बजट त्रास आया है। उनका कहना है कि बजट विकास आधारित है और पारदर्शिता लाने वाला है। देश का आज आम बजट आया है और बजट का मतलब ये होता है, खासतौर पे इंडस्ट्री से जुड़े लोग, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को काफी उत्सुकता होती है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या क्या मिला है। हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारी हमारे साथ है, सीए साहब शशि चड्डा जी हैं और सीनियर पदाधिकारी हैं चैंबर के। देखो जी, बजट का सबसे बड़ा इंडिकेटर एज ए लेमैन जो होता है, जब टीवी के सामने आदमी बैठा होता है ना, जैसे जैसे स्पीच चलती है वैसे वैसे स्टॉक मार्केट की पोजीशन को हिलती जुलती रहती है। तो जैसे आज सुबह बजट शुरू होना था उससे पहले ही मार्केट जो है ट्रेंड जो दिखा रहा था वो अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था। बजट स्पीड चली, थोड़ा और बढ़ा, जैसे जैसे बजट खत्म हुआ तो जो इतना लेवल था शायद मैंने पिछले कई बजट देखे हैं उसमें इतना नहीं बढ़ा, 1600-1700 पॉइंट तक ऊपर चढ़ गया था इंडेक्स। तो ये एक कॉमन इंडिकेटर है जिससे कि लोगों को ये लगा कि बजट अच्छा है। लेकिन ये सिर्फ एक ना देखने के में उसमें था कि कहाँ से अच्छा है, क्योंकि तब तक जो भी चेंजेस थे वो सामने नहीं आए थे। जब चेंजेस सामने आए तो हर किसी को होती है इनकम टैक्स में क्या मिला। सर सीधा सिंपल सा एक ही था पॉइंट कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। एक बेनिफिट लगा वो ये था कि जो टैक्स चोरी के रिलेटेड था कि पहले 6 साल के केस पिछले खुल सकते थे, अब सिर्फ 3 साल के खुलेंगे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर सरकार ने सबसे ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी तरह की डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। आज रोड्स का किया, रेल का किया, शिपिंग का किया है, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है। इसी तरह से जो सेपरेट ट्रैक बना दिया इन्होंने फ्रेट कॉरिडोर जो है रेलवे का, उससे क्या है कि जो पहले 7 दिन लगते थे पोर्ट तक माल जाने में अब सिर्फ 2 दिन में पहुंच जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है और ट्रांसपेरेंसी है बजट में। बीजेपी सरकार जब बनी थी, हम दिल्ली की बात करें हरियाणा की बात करें, गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस एट करप्शन दो बड़े वायदे थे जिससे लोग बड़े लोग भावे होते भी ऐसी सरकार चाहिए हमें। अब सरकार को 6 साल भी हो गए, आज के बजट को कैसे देखते हैं? गुड गवर्नेंस मतलब आपकी चीजें ईज हो, जीवन सुगम चले, और जीरो टॉलरेंस एट करप्शन इन हरियाणा के परिपेक्ष में, क्योंकि चेयरमैन है आप, हरियाणा के परिपेक्ष में ये दोनों वायदे कितने पूरे हुए हैं इस बजट को देखते हुए? देखिए, वैसे तो बजट गवर्नमेंट ने जो भी दिया बहुत अच्छा है, मगर प्रयास है, 6 साल में प्रयास जरूर है कि गवर्नमेंट का कि ये रिश्वतखोरी जो घुसखोरी है उसको कम किया जाए। मगर जहां तक मैं देख रहा हूं कि जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर तो घुसखोरी बहुत कम हुई है, मगर जो अभी और डिपार्टमेंट है जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो क्वालिफाइड स्टाफ भी नहीं है, वर्कर्स भी उस हिसाब से नहीं है, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। मगर यहां डिजिटल इंडिया वाली बात है, वहां हमें जब तक अपने नेट और ये सुविधाएं जब तक गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ भी करना पड़े। आज जैसे रोड के ऊपर बहुत कुछ वर्किंग की, रेलवे के ऊपर बहुत सारी वर्किंग की गवर्नमेंट ने, मगर मैं यहां तक देख रहा हूं कि नेट को लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स है और आए दिन व्यापारियों को इस सब चीज को बहुत फेस करना पड़ता है। सरकार का जो ये बजट है अंडानी अंबानी को आगे बढ़ाने वाला है? नहीं सब, इसमें ऐसा है कि जैसे लाइट को प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कही है, ठीक है, अडानी अपनी जगह वर्क कर रहे हैं, एक बड़ा बड़ा टावर है, तो अगर बड़े टावर को अगर कोई कंपैरिजन करा जाए तो कोई ना कोई नया टावर तो पैदा होगा। उसके लिए सरकार को थोड़ा सा जो है प्रमोट करना चाहिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए पानीपत की विशेष जो है लोगों को जो रोड की जरूरत है, फैक्ट्रियों के लिए जगह की जरूरत है, उसके लिए क्लस्टर को लाना चाहिए और यहाँ का जो फोकस है उस पर ध्यान देना चाहिए। पानीपत की इंडस्ट्री वैसे छोटी है, 80% छोटी है, बड़ी इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री कम है, किस्तों में आपको रियायतें मिलती रही हैं, आप कहते हो हर बार बजट पे भी चलो ये मिला अगली बार देखेंगे, अब उम्मीद करते थे पानीपत को, चूंकि आप छोटे स्तर पे काम करते हैं बहुत सारे लोग, इस बजट से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? जो कुछ उम्मीद कर रहे थे वो मिला और रह गया तो क्या रह गया? वैसे शशि जी ने तो बहुत विस्तार से बता दिया, चेयरमैन साहब ने बताया, लेकिन पानीपत जैसे हब है टेक्सटाइल, पानीपत को उन्होंने 7 पार्क जो दिए या टेक्सटाइल को दिए हैं उसमें पानीपत का भी नंबर आएगा, जहाँ तक लगता है आना भी चाहिए, डिमांड भी करेंगे हम कि पानीपत का नंबर आए। तो और बाकी जो इसमें कस्टम ड्यूटी उन्होंने गोल्ड पे कम की है उसका भी बेनिफिट मिलेगा आम आदमी को। लेकिन एक चीज़ उन्होंने जो की है ना, पेट्रोल और डीजल पे जो किसानों के आंदोलन के कारण ये सेस लगाया है, ये गलत लगाया गया है, ये नहीं होना चाहिए था।
इससे आम आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार ने क्लियर किया है, आम आदमी पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, वो इंटरनल जो इनका अपना है सिस्टम उसी में मैनेज करेंगे उसको, तो वो अच्छी बात रहेगी अगर आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ेगा तो। आपको काफी सालों की इंडस्ट्री चलाते हुए पानीपत की कितनी उम्मीद पूरी हुई है? नहीं, टेक्सटाइल के लिए तो बहुत अच्छा है, जैसे GST में काफी राहत मिली है, उस हिसाब से जैसे लोग इतने घबराते थे वो वाली चीज नहीं है, ऑडिट वगैरह जाना, CA के चक्कर लगाना, ये वाली चीज़ों से राहत मिली है काफ़ी, और बाकी वो है कंट्रोल भी है अपना, चौकसी रखनी, इन्होंने सख्ती भी रखी है उसी तरह। हरियाणा सरकार से कोई शिकायत है आपको, क्योंकि सरकार बजट बनाती है पूरे देश के लिए, लेकिन आपको बहुत सारे काम हरियाणा गवर्नमेंट से लेने होते हैं, आप दफ्तरों में जाते हो, परमिशन चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, काम होते, जो हरियाणा लेवल पे क्या कोई दिक्कत नजर आ रही है आपको? नहीं, ठीक है, ठीक चल रहा है। आप बीजेपी वाले तो नहीं है? नहीं, बीजेपी वाले नहीं है। नहीं, ऐसे ठीक है, काफी सारे तो लिहाजा कई साल बाद ऐसा दिख रहा है, हम हमेशा बजट पे प्रतिक्रिया लेते हैं, लेकिन आज चार लोग हैं, ये CA साहब है, हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, शिकायत करने वाले आज बहुत कम है, स्वागत करने वाले ज्यादा है, और जिस तरीके से शेयर बाजार भी चढ़ा है लगता है बजट काबिले तारीफ है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वीरेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।